नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो हाल ही में EOL का जो सर्वे होना है दोस्तों, उसमें सर्वे करने वाले को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, और सर्वे में कितना खर्चा आएगा। तो जी हां दोस्तों, इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी बताऊँगा, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शासन की नई नई योजनाओं की जानकारी, जॉब एवं टेक्नोलॉजी संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ इस तरह से बटन मिलेगा, उसमें क्लिक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल की घंटी को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी नई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये इसके साइड से निकाला हूँ, EOL का जो साइड है उससे ये निकाला हूँ मैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं, पारिश्रमिक यानी कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM सभी CRP के लिए मानदेय और यात्रा लागत के भुगतान से संबंधित मौजूदा मानदंड और निर्धारण के लिए विशेष तौर पर उपयोग की गई ऐसी अन्य सामाजिक पूंजी या फिर निम्नलिखित दरों को अपना सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं इसमें पहले नंबर पर है CRP या विद्यार्थी या GRS यानी ग्राम रोजगार सहायक, ठीक है। स्वयं सेवक के लिए मानदेय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 220 रुपये, ठीक है, जो इसका सर्वे करेगा उसको प्रतिदिन 220 रुपये मिलेगा, ठीक है। और दूसरा है CRP विद्यार्थी GRS या स्वयं सेवक, इन्हीं के लिए स्थानीय यात्रा और खाद्य लागत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 110 रुपये, ठीक है। 220 रुपये और 110 रुपये जो है ये यात्रा और उसके खाने पीने के लिए है, तो 220 रुपये और 110 रुपये दोनों मिलाकर हो गए 330 रुपये। तो जो इसका सर्वे करेगा EOL का, ठीक है दोस्तों, लीव ऑफ इजी ऑफ लिविंग का, ठीक है, तो इसमें मिलेगा एक प्रतिदिन ये सर्वे करने वाले को 330 रुपये के हिसाब से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें पूरा खर्चा कितना आएगा आप दिखा देते हैं हम आपको। इसमें देख सकते हैं सर्वे की अनुमानित लागत, ये आंकड़ा निकाला गया है EOL के अंतर्गत उन परिवारों की संख्या जिनका सर्वे किया जाना है। ये इतने परिवार हैं जिनका संख्या किया जाना है, 8.87 करोड़ इतने परिवार की संख्या है पूरे भारत में, ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे ग्राम पंचायतों की कुल संख्या, ठीक है, 2.65 लाख लगभग इतने ग्राम पंचायत, ठीक है। और तीसरा है प्रति ग्राम पंचायत परिवार ACCC डेटाबेस के अनुसार ग्राम पंचायत में परिवारों की उपलब्धता के आधार पर संख्या 335 लगभग राष्ट्रीय औसत में इसको निकाला गया है, इतने जो है परिवार ACCC डेटाबेस के अनुसार ग्राम पंचायत में उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर पे है प्रतिदिन कवर किए जाने वाले परिवार की संख्या है 20 परिवार को प्रतिदिन एक दिन में लगभग कवर करना है, ठीक है। प्रति ग्राम पंचायत सभी परिवारों को कवर करने के लिए सप्ताह की संख्या 3 से 4 सप्ताह, यानी एक ग्राम पंचायत को 17 दिन में 3 से 4 सप्ताह में कवर करना है एक ग्राम पंचायत को, इसका डेट जो है औसत निकाला गया, ठीक है। छठवा है प्रति ग्राम पंचायत यात्रा सहित कुल मानदेय, देख सकते हैं 5,610 रुपये इसका निकाला गया है, ठीक है, प्रति ग्राम पंचायत का, ठीक है। प्रति ग्राम पंचायत एक गणनाकर्ता और एक सहायक सर्वे की लागत के हिसाब से 11,220 रुपये निकाले गए हैं, ठीक है, हर एक ग्राम पंचायत के हिसाब से। EOL की कुल अनुमानित लागत करोड़ में केवल आंकड़ों का संग्रह और सत्यापन के हिसाब से 297.33 रुपये, ठीक है, इस तरह से इसका खर्चा निकला है, ठीक है दोस्तों। ये करोड़ में ना 297.33 रुपये ये करोड़ में है, यानी 297 करोड़ इसका जो है अनुमानित जो है खर्चा आएगा इसको, ये जो EOL का जो सर्वे करना है उसमें लगभग इतना खर्चा आएगा, ठीक है। प्रशिक्षण के लिए NB व्यय परियोजना प्रबंधक एकक ACCT ICT IEC विश्लेषणकर्ता इत्यादि के लिए सॉफ्टवेयर शामिल नहीं है, इसके लिए शामिल नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो अनुमानित खर्चा है वो कितना है, इस तरह से इस सर्वे में इतना खर्चा आएगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इसी की जानकारी मैं बताने वाला था कि इस सर्वे में कितना पैसा मिलेगा सर्वे करने वाले को और इस सर्वे में कितना खर्चा आएगा, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कुछ सवाल होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका निराकरण करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।